कृषि कानून के विरोध में किसानों ने चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज अकोला में कानून वापसी को लेकर एक महापंचायत की। इस दौरान किसानों द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे 44 किसानों की मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने कहा, केंद्र में बैठी सरकार ने अगर कानून को वापस नहीं लिया तो किसानों की एकता भाजपा को धरातल में मिला देगी। दिल्ली में किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों के द्वारा विशाल आंदोलन काफी दिनों से कर रहे हैं, जिसमें आगरा से भी करीब 500 किसान अपनी सहभागिता भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिला कार्यालय आगरा से किसानों ने ACM तृतीय को कानून वापसी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। किसान पंचायत में मौजूद किसान नेता श्याम सिंह चाहर का कहना था, आज की केंद्र की सरकार में चोरों की मंडली बैठी है और जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं वह भी चोर है, वे किसान नहीं है। 500 से 1000 रुपए में बिकने वाले किराए के टट्टू हैं। बैठक ने किसानों की पंचायत हुई है, बैठक होती है राजनीतिक दलों की, चोरों की। किसानों ने साफ कह दिया है कि यहीं पर 2 दिन बाद फिर पंचायत होगी किसानों की, उसमें खुली चेतावनी दे दी जाएगी कि मोदी जी या तो कुर्सी पर बैठे रहेंगे या कुर्सी छोड़ के भागेंगे। जो चोर चोर मोथेर भाई 3 विधेयक जो पास कर दिए हैं जून के महीने में, क्या देश को गुलाम बनाना चाहते हैं? यानी उन्होंने अपने परिवार को गुलाम बना के बाबा रामदेव के यहाँ भेज दिया, तो किसानों को वहाँ भेजेंगे गुजरात? इनका गुलाम नहीं है किसान, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ज्ञापन में क्या दिया गया है? ज्ञापन दिया आपने राष्ट्रपति के नाम से दिया है कि ये 3 विधेयकों को वापस ले लो। जो TTZ के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, 24 घंटे का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का, तो या तो 24 घंटे लाइट दो, नहीं तो जो बाहर तहसील में जो किसानों के ट्यूबवेलों के बिल जो 800-900 रुपये महीने का बिल आता है उस हिसाब से ले लो, नहीं तो देखेंगे। अगर तो आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति? भाई जेल तो हमारी ससुराल है, जेल जाएंगे और क्या करेंगे। ये कुछ किसान कह रहे थे आप दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे। जेल 4 बार देख ली, 5वीं बार और सही 2021 में। किसान पंचायत में पहुंचे किसान नेता सोमवीर यादव ने कृषि कानून को डेथ वारंट का नाम दिया। सोमवीर यादव का कहना था कि भाजपा की सरकार जब कृषि कानून पर घिरती हुई नजर आ रही है तो वे MSP की बात करना शुरू कर देती है। डिग्री कॉलेज में आज ये महापंचायत का आयोजन हुआ है और कम से कम दर्जनों गाँव से यहाँ किसान भाई आए। ये जो हमारी केंद्र सरकार ने बिल पास करे उसके खिलाफ हुआ है। हमारे 44 किसान शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जिला प्रशासन जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं थर्ड, उनको ज्ञापन दिया है और साफ कह दिया है ज्ञापन में कि या तो 30 तारीख तक सरकार वापस ले ले, नहीं 1 तारीख को यहां से भारी संख्या में किसान चारवाटी से दिल्ली कूच के लिए जाएगा। सरकार की ओर से धान की MSP 1900 से 1950 निर्धारित की गई थी, लेकिन मंडी में धान का भाव 900 से 1000 तक ही बिक पाया। हम बात करें कृषि कानून की तो यह किसानों का अहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया एक काला कानून है। अब तक किसान आंदोलन में 40 किसान शहीद भी हो चुके हैं। अगर केंद्र सरकार ने जल्दी इस बिल को वापस नहीं लिया तो किसान दिल्ली कूच करेगा और केंद्र सरकार और इस बिल के खिलाफ एक महा आंदोलन होगा। सावित्री चाहर का कहना था कि इस प्रकार